कोशिश है कि जितने भी हम ड्राफ्ट लाए हैं, आपको पता है पीपुल्स पार्टी ने एक पूरी ड्राफ्ट पेश कर दी है कल कमेटी में, यहाँ भी कर दी है। हमारी कोशिश है कि JUIF के साथ जो भी हम इस वक्त ऑलमोस्ट एक सब कमेटी बना के अपने ड्राफ्ट में वो कर सके हम आहंगी, तो थोड़ी बेहतरी आएगी। बाकी पेशरफ्त इस वक्त कमेटी में और जो हो रही है ये जाहिर है क्लासिफाइड है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के हवाले से एक लंबा इंकशाफ किया है पुरानी रिसर्च का, कि उन्होंने किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक तरजीह समझा और उस तरजीह के पूरी उसकी उन्होंने तशरीह भी लिखी है। ये मैं कह दूं कि बार बार ये बात की जा रही है जी दोस्तों से भी कि ये असॉल्ट ऑन द कोर्ट जो हम करने जा रहे हैं, कहाँ से मुझे बताइए असॉल्ट ऑन द कोर्ट अपॉइंटमेंट के हवाले से होती है। आपको मैंने सारे गिनाना चाहूंगी कितने कितने ममालिक में किस तरह अपॉइंटमेंट होती है। अमरीका में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सेनेट का पैनल उनको अच्छी तरह उनकी छांटी करके फिर उनको अप्रूव करता है, उसके बाद आप किसी भी कॉमनवेल्थ मुल्क में देख लें ये असॉल्ट कैसे है। किसी भी कॉमनवेल्थ मुल्क में अगर एडवाइजरी कमेटी भी है तो उनकी एडवाइस नॉन बाइंडिंग होती है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे और सॉवरन जो मोनार्क है वहां के। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया देख लें कितने ममालिक हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि जुडिशरी आपस में से निकाल के या सीनियोरिटी के बेसिस पे करती है। सीनियोरिटी से आपको क्या मिला, रेकोडेक और आपको डैम फंड और ये सारी चीजें मिली है ना, आपको हर चीज मिली है। जो अब हम अगर कह रहे हैं कि पार्लियमान, देखिए पार्लियमान खालिक है आइन का, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और कोई नहीं खालिक हो सकता, ठीक है जी। तो यही इन्हीं बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने अपनी ड्राफ्ट सबमिट की है, हम वाहिद पार्टी हैं जिन्होंने ड्राफ्ट सबमिट की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सफे अवर में हैं, इसको इसी तरह आगे चले मामला शफाफियत से और शराकत दारी से, और हमारी कोशिश है कि हम हर पार्टी के साथ स्पेशली JUIF गवर्नमेंट और दूसरे हमारे इत्तेहादी जो हैं उनके साथ कंसेंसस क्रिएट करें और आगे भी कंसेंसस क्रिएट करते जाएं, क्योंकि हमने हर बड़ी तरमीम जो लाई है पार्लियामान में हमेशा, चाहे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में हो या 18वीं तरमीम हो या नेशनल, हम तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जी भी करते हैं वाया कंसेंसस, तो हमारी इसमें थोड़ी सी सलाहियत है कंसेंसस क्रिएशन में, उसको बरवेकार लाना हम इस वक्त जरूरी समझ रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप थोड़ी पेशरफ देखेंगे।